दोस्तों दुनिया को तमाम भौगोलिक सीमाओं में बांटकर देश बनाए गए हैं। इन देशों का भूगोल, राजनीति और अर्थव्यवस्था भी अलग अलग होती है। ये देश अपनी विचित्रताओं के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं संसार के 10 सबसे बड़े देशों के बारे में। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहें। नंबर 10, अल्जीरिया। अल्जीरिया को संसार का सबसे बड़ा देश माना जाता है। ये देश 2.38 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है। ये एक अफ्रीकन देश है। यह देश भूमध्य सागरीय तटरेखा के लिए जाना जाता है। इसकी भूमध्य सागरीय तटरेखा की लंबाई 998 किलोमीटर है। अल्जीरिया का 90% भाग रेगिस्तानी माना जाता है। इसमें एटलस पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। यहाँ पर सहारा रेगिस्तान भी स्थित है। नंबर 9, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान को संसार का 9वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। ये संसार का विशालतम लैंडलॉक देश है। ये देश एक विशाल मैदान है जो ऊंचाई पर स्थित है। कजाकिस्तान 2.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र कवर करता है। यहाँ शुष्क जमीन तथा तापमान सामान्य पाया जाता है। नंबर 8, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा देश माना जाता है, जबकि जनसंख्या के लिए ये 32वां सबसे बड़ा देश है। अर्जेंटीना 2.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये उत्तर में दलदली तथा उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। ये देश दक्षिण में हिमनद, पश्चिम में एंडीज तथा पूर्व में अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। इस देश के दक्षिणी सिरे को हॉर्न कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे तूफानी स्थान भी माना जाता है। नंबर 7, भारत। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां विशाल देश है। ये देश 3.29 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल कवर करता है, जिसमें कश्मीर शामिल नहीं है। भारत देश चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश व नेपाल की सीमाओं से मिलता है। ये देश हिमालय पर्वत से दक्षिणी प्रायद्वीप के उष्णकटिबंधीय तटों तक फैला हुआ है। जनसंख्या के लिए ये देश संसार का 2रा सबसे बड़ा देश है। नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया व भारत के बीच 4.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल का अंतर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल 7.69 मिलियन वर्ग किलोमीटर माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में सिडनी जैसे तटीय शहर बसे हुए हैं। ये देश कई शुष्क व गर्म क्षेत्रों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का वन्य जीवन भी शानदार है। नंबर 5, ब्राजील। ब्राजील संसार का 5वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश माना जाता है। इसका क्षेत्रफल 8.51 मिलियन वर्ग किलोमीटर माना जाता है। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर सबसे बड़े वर्षावन अमेजन भी पाए जाते हैं। अमेजन बहुत ही घना व विशाल है। ब्राजील में पूर्वी तरफ से एक लंबी अटलांटिक तटरेखा है जो 8 किलोमीटर तक फैली हुई है। यहाँ पर रियो डी जेनेरियो जैसे कई प्रमुख शहर भी पाए जाते हैं। नंबर 4, चीन। चीन आबादी के मामले में संसार का पहला देश है, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में ये चौथे स्थान पर आता है। चीन की उत्तरी सीमा चीन की महान दीवार से जुड़ी हुई है। इसका क्षेत्रफल 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर के दायरे में आता है। चीन से 14 देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। इसके पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में रूस, दक्षिण में वियतनाम देश पाए जाते हैं। ये एशिया का ऐसा देश है जहाँ 56 जाति समूहों का संग्रह पाया जाता है। नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से 3रे स्थान पर आता है। यहाँ पर उत्तर डकोटा की लंबी नदियाँ तथा मैदानी भागों को देखा जा सकता है। इसका क्षेत्रफल 9.63 मिलियन वर्ग किलोमीटर आंका गया है। अमेरिका के दक्षिण में मैक्सिको,
व उत्तर में कनाडा स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने वन्य जीवन के लिए भी जाना जाता है। अमेरिका में औद्योगिक व आर्थिक विकास दर काफी तेज पाई जाती है। विकसित देशों के मामले में अमेरिका संसार का नंबर वन देश माना जाता है। नंबर टू, कनाडा। कनाडा का क्षेत्रफल 9.98 मिलियन वर्ग किलोमीटर माना जाता है। कनाडा पश्चिमी गोलार्ध में सबसे बड़ा देश माना जाता है। इसकी तटरेखा काफी विशाल है। कनाडा में लोगों की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक विस्तृत पाया जाता है। ये क्षेत्रफल के लिहाज से संसार का दूसरे नंबर का देश है। नंबर वन, रूस। दोस्तों, आप बात करते हैं संसार के सबसे विशालकाय क्षेत्रफल वाले देश की। इस देश का नाम है रूस। रूस का क्षेत्रफल 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर माना जाता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश आंका गया है, जो 14 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। दक्षिणी रूस के हिस्सों में ग्रीष्मकाल रहता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय भाग भी माना जाता है। बड़े पैमाने पर यहाँ तेल भंडार पाए जाते हैं। उत्तरी रूस एक विशाल क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें अपने अनमोल सुझाव लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले पाने की सीरीज से जुड़ जाएं। धन्यवाद।